प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार। भवानीमंडी में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक हरपन मोला कलाकार किशोर कुमार की 35वीं पुण्यतिथि पर यादगार सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम याद किशोर के दौरान यादगार सांस्कृतिक मंच के कलाकारों द्वारा किशोर कुमार द्वारा गाए हुए गीतों को गाकर उन्हें याद कर व श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही भारतीय संस्कृति के महापर्व करवा चौथ को भी पति पत्नी के अमर प्रेम से सजे गीतों को गाकर मनाया गया। भवानीमंडी नगर के रावण सरकार के नाम से लंकेश का जन्मदिन भी यादगार सांस्कृतिक मंच द्वारा मनाया गया। लंकेश को गीतों के माध्यम से उनके जन्म दिवस पर यादगार सांस्कृतिक मंच के कलाकारों ने शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान महेश चौकसा ने समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। हंसराज आस्तोलिया ने पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। राजेश मेहरा ने मेरे नैना सावन भरो। प्रगति गुप्ता ने ये जीवन है इस जीवन का यही है रंग। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने जिंदगी एक सफर है सुहाना या कल हो किसने जाना गीत को गाकर किशोर कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो समझौता गमों से कर लो। भवानीमंडी राजकीय बिरला महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी अमृत महोत्सव समिति IQAC व राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं द्वारा श्रमदान किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने अपने उद्बोधन में श्रमदान पर बल दिया। इस अवसर पर मधु कुमारी, राजन कुमार पाटीदार, नेमी चंद मीना, राज बिहारी सोनी, सुरेंद्र चंद उपाध्याय, हेमंत कुमार, नितिन शर्मा, हिमानी शर्मा आदि उपस्थित रहे। झालावाड़ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत झालावाड़ शहर के 2 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। CMHO डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देश अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा आज झालावाड़ के प्रतिष्ठानों से घी पनीर का सैंपल खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत लिए गए, जिन्हें जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला कोटा भिजवाए गए। झालावाड़ दीपावली के पर्व के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू के अध्यक्षता में शुक्रवार को मिनी सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से दीपावली के पर्व को धूमधाम से नहीं मनाया गया, जिसके मद्देनजर इस वर्ष कोरोना के प्रभाव में कमी आने पर राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में दीपावली के पर्व को बड़े उत्साह उल्लास के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया। श्यामगढ़ क्षेत्र के शांति कुंज पर बनी बसाना धाम गौशाला का सीसी रोड निर्माण को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक देवीलाल धाकर द्वारा 2 लाख रुपए की सीसी रोड बनाने की घोषणा की गई और इस दौरान क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता व विधायक देवीलाल धाकर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्यामगढ़ के बसाना गौशाला में सीसी रोड का उद्घाटन भी किया गया। वहीं इस अवसर पर बसाना गौशाला को लेकर सांसद विधायक सहित सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। योजना की इस कड़ी में मैंने भी अपने आप को जोड़ा है। मन में प्रसन्नता है कि हम ललक के साथ काम कर रहे हैं। किसानों के यहाँ अभी अचानक आई बारिश के कारण कुछ नुकसान है, उसके भी लिए सर्वे कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मन के अंदर भाव था, इसलिए देखने को मिला कि कहाँ क्या नुकसानी है। आकलित शिवदास गांव में आकर मन में प्रसन्नता है कि अच्छी सी गौशाला बनाई है और गायों के प्रति जो भाव समाज में है
और पूरा समाज जुड़कर काम करता है जहाँ जहाँ जिन जिन गाँव में। गरोट में अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महेंद्र तानेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनू कुमार SDOP के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम धरपकड़ नशा मुक्ति अभियान के तहत निरीक्षक BAS गोरे थाना प्रभारी गरोट के कुशल निरीक्षण में अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक भारत कटारा को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार से सीतामऊ से गरोट होते हुए राजस्थान तरफ अफीम किसी को देने वाला है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षक BAS गोरे थाना प्रभारी गरोट के निर्देशन में एक टीम गठित कर तस्दीप व कार्रवाई हेतु टीम रवाना की गई, जो कचालिया फंटा शामगढ़ रोड पर नाकेबंदी के दौरान एक कार शामगढ़ तरफ से आते दिखाई दी, जिसे रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम नरेंद्र सिंह सवन सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम महुआ थाना सीतामऊ का होना बताया, जो कार की तलाशी लेते कार से अवैध मादक पदार्थ अफीम कुल 2 किलो 900 ग्राम कीमत 3 लाख रुपये एक सफ़ेद रंग की कार कीमत 5 लाख रुपये की जब्त की गई। आरोपी नरेंद्र ने उक्त मादक पदार्थ अफीम के बारे में पूछने पर अफीम भारत राम पाठी राग ग्राम गंगाखेड़ी मंदसौर से लाना बताया और यह अफीम अजहर पिता अजीज नीलगढ़ निवासी भवानमंडी जिला झालावाड़ को देने जाना बताया, जो आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर बाद में वापसी कर आरोपियों के विरुद्ध थाना गरोट पर NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। कि अवैध मादक पदार्थ का परिवहन करते एक I-20 कार में एक व्यक्ति लेकर के आ रहा है अफीम, इस सूचना पर हमारे द्वारा टीम द्वारा घेराबंदी की गई कचालिया फांटे पर शामगढ़ रोड पर। उस मुखबिर की सूचना के अनुसार कार को रोकी, कार में बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा, उसने अपना नाम नरेंद्र राजपूत बताया, निवासी महुआ का है, और गाड़ी में देखा तो उसके कब्जे से 2 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद की। NDPS एक्ट के अंतर्गत अफीम जब्त कर वाहन को भी जब्त कर कार्रवाई की गई। खबरों में फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। चुड़ के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे आतुर चरा है मामला अब साहेब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत गाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे Thank you.